नजीबाबाद में नई तहसील बाईपास रोड पर किया गया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। शाहनवाज खलील बने नजीबाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में किया परेड का निरीक्षण। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लगवाई दौड़। अफजलगढ़ क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान नशे में कार्य करने का बैंक कैशियर पर उपभोक्ताओं ने लगाया आरोप। कर्मचारी की लापरवाही से बैंक को हो सकती है बड़ी हानि। कोविड 19 टीकाकरण में आई तेजी से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुहारा नगर पालिका की ओर से नगर में कराई गई मुनादी। बिजनौर में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पुलिस टीम, एंटी सेबोटेज चेक टीम एवं डॉग स्क्वाड के साथ न्यायालय परिसर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जनपद बिजनौर के कृषि विभाग धामपुर अल्लाहपुर ब्लॉक परिसर में किया गया विकास खंड स्तरीय एक दिवसीय रवि कृषि निवेश मेला एवं गोष्ठी का आयोजन। सिहारा में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली के गाजीपुर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए किसान। मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। चांदपुर के हनुमान मंदिर कोटला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया सदस्यता अभियान के तहत कैंप का आयोजन। भाजपा नेता और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। नगीना की आजाद कॉलोनी श्री शिवधाम मंदिर में भागवत कथा से पूर्व सैकड़ों महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। चांदपुर के दरबारा स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज में मनाया गया संविधान दिवस। छात्र छात्राओं को दी गई संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव धर्मूवाला निवासी 57 वर्षीय व्यक्ति का शव उसी के घर में मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रहण कराई गई राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की शपथ। जनपद बिजनौर के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में बिजनौर चांदपुर मार्ग पर कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत तथा दूसरा गंभीर घायल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।